महापौर कामिनी राठौर ने शिव मंदिर का निरीक्षण, नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण और विकास कार्यों का किया शिलान्यास। पवित्र श्रावण मास के मद्देनजर महापौर श्रीमती कामिनी राठौर जी ने शहर के विभिन्न शिव मंदिरों का निरीक्षण किया। महापौर ने मंदिरों में आने वाले शिव भक्तों के सुगम आवागमन के लिए उचित इंतजाम के निर्देश दिए। साथ ही महापौर ने सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था एवं जल निकासी के संबंध में नगर आयुक्त को समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। सावन महीने के समय भोले के भक्तों की संख्या शिव मंदिरों में अधिक बढ़ जाती है। श्रद्धालु अत्यधिक संख्या में दर्शन के लिए आते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए महापौर ने नगर के प्रमुख मंदिर परिसरों एवं आसपास के क्षेत्रों में उचित साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन का निर्देश अधिकारियों को दिए। महापौर ने बताया कि सावन में महादेव के भक्तों को कोई दिक्कत ना हो और वो स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण में भोलेनाथ के दर्शन कर सके, इसके लिए नगर निगम पूरी तरह से सजग और तैयार है। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि मंदिरों के आसपास साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और मार्ग प्रकाश का विशेष ध्यान दें। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। देखिए अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ से अब आगे जाएंगे आप तो मुथुआबाद का जो रोड है वहाँ तक का ये रास्ता बहुत ख़राब है और ये मुख्य मार्ग है। यहाँ लगभग 70-80 हज़ार लोगों की जो आबादी है, अगर वो फतेहाबाद जाती है या फतेहाबाद रोड से एक्सप्रेसवे को जाती है या वहाँ से आती है, तो इस रास्ते की बहुत बुरी स्थिति थी। लगभग 85 लाख रुपए की लागत से एनकैप योजना में ये सड़क हॉटमिक्स प्लांट से बनेगी। इसके बगल में इंटरलॉकिंग की टाइल्स लगेंगी, इसमें अच्छे वृक्षारोपण की व्यवस्था होगी। ये मार्ग चूँकि मुख्य मार्ग है तो आने वाले समय में यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होगी कि आने जाने की किसी प्रकार की किसी को कठिनाई नहीं हो। मैं अपनी मेयर साहब और यहाँ के पार्षद पूरे बोर्ड को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अभी एक महीना उनको बोर्ड गठित हुए हुआ है, लेकिन उन सब लोगों ने लगातार जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्णायक काम करना शुरू कर दिया है। अभी हम सब लोग साथी रोड से लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत की सड़क बनवा के आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ लगभग 85 लाख की लागत से नगर निगम के माध्यम से काम हो रहा है। अभी यहाँ से आगे संत नगर में मेरे प्रस्ताव पर जो त्वरित आर्थिक विकास योजना है उसमें लगभग 50 लाख रुपए की लागत का काम हो रहा है। तो एक दिन में 2.5 करोड़ रुपए का इस शहर में काम हो रहा है। नगर निगम या क्षेत्रीय विधायक के रूप में हम, या डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार किसे कहते हैं वो आज शायद आपको महसूस हो रही होगी। उधर दिल्ली में मोदी जी हैं, लखनऊ में योगी जी हैं और फिरोजाबाद में कामिनी राठौर जी हैं, उनका पूरा बोर्ड है। विधायक के रूप में मैं इनका पूरा साथ दे रहा हूँ। तो मैं निश्चित रूप से आज पहले सोमवार पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। विकास की ये कड़ी लगातार आगे बढ़ेगी, जनता की सेवा बिना किसी भेदभाव के लगातार की जाती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। आज वार्ड नंबर 19 में संत नगर फुलवाड़ी में महेश आटा चक्की वाले के यहाँ से फतेहाबाद रोड तक दोनों हॉट मिक्स द्वारा रोड बनाई जा रही है, जो कि बहुत टाइम से क्षतिग्रस्त थी। लोगों को बहुत निकलने में दिक्कत होती थी, वो आज बनने जा रही है। दोनों पटरियों पर इंटरलॉकिंग व टी गार्ड के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाएगा। माननीय विधायक जी और सभी पार्षदगण एवं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज सावन का पहला सोमवार है, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सभी शहरवासियों पर भगवान की कृपा दृष्टि बरसती रहे। और आज करीबन 85 लाख रुपए से इस रोड का निर्माण होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को एवं विकास मंत्री जी को सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, धन्यवाद।